ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए, तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली में हालात में सुधार होते नहीं दिख रहे, जिसके चलते राज्य सरकार ने दिल्ली में लगे लॉकडाउन को 1 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात की घोषणा खुद की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कोरोना का कहर जारी है, पूरे विचार विमर्श के बाद लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। वो कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि संक्रमण दर करीब 36% पर पहुंच गई। वो कहते हैं आज तक दिल्ली में हमने इतना संक्रमण दर नहीं देखा। हाँ, वो ये भी मान रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन में संक्रमण दर 29% पर भी आई है। आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि 19 अप्रैल की रात को लगाया गया लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को देखते हुए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जिससे हम पूरी नजर रख सकेंगे। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।